नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर फोर में है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, सॉरी सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस नमस्कार स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। मैं मान के चलता हूं कि यहां पर एक प्लेस है इस एंड पर और इस एंड पर, ठीक है, कोई ए और बी प्लेस है। मैं मान के चलता हूं कि बरेली है, लखनऊ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 250 है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, 250 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, इन दोनों सिटीज के बीच की डिस्टेंस 250 है तो 250 ही रहेगी, ठीक है ना, उस रूट पर। इस तरह से यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर ये डी है तो ये ऑलवेज डी रहेगा, ठीक। हमें यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने कहा फटाफट चलते हैं। जब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया तो यहाँ से यहाँ जाने में जो मेरा शेड्यूल टाइम था पहुँचने का, ठीक है, उससे मैं 2 घंटा पहले पहुँच गया, ठीक। और अगर मेरे पास ये है कि नहीं आराम से चलना है, धीरे चलना है, तो मैंने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया, तब क्या हुआ, मैं अपने शेड्यूल टाइम से 3 आवर बाद में पहुंचूंगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम 4 घंटे का था, 4 आवर्स का था, अगर मैं तेज चला, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से को ज़्यादा बढ़ा लिया तो मैं 2 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, मतलब 2 घंटे में ही पहुँच जाऊँगा। और अगर नहीं धीरे धीरे चला, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी कम हो गई तो यहाँ पर पहुँचने में मुझे 4 आवर मेरा शेड्यूल टाइम है ही, प्लस 3 उसमें और हो जाएगा, 7 आवर में हम पहुँचेंगे, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप नोट कर दें कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन B इज इक्वल टू स्पीड है ना, तो इसको आप S से लेट कर दो तो आपके ज्यादा इजी रहेगा। द टाइम टेकन बी इक्वल टू T, स्पीड S किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इक्वल टू T आवर, ठीक। क्या आप जानते हैं कि डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं, स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर स्पीड को आपने एस लेट किया हुआ है और टाइम को टी, तो ये क्या हो जाएगा, एस टी आएगा, ठीक। फर्स्ट केस आप बनाएंगे, यहां पर केस फर्स्ट ले लेंगे। केस फर्स्ट में क्या हुआ, उसने कहा कि इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो स्पीड में क्या किया आपने, स्पीड में 10 किलोमीटर फास्टर है तो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और टाइम कितना है, 2 आवर लेस, तो टी माइनस क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। और यहां पर डिस्टेंस को क्या माने हुआ, एस टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस इज एस टी, ओके। एस टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस की मल्टीप्लाई टी से कर दीजिए, माइनस 2s हो गया। और यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई टी से करिए तो प्लस 10t हो जाएगा और माइनस 10 2 20 हो जाएगा। देखिए एस टी को क्रॉस कर देगा और यहाँ पर इक्वेशन क्या बना, माइनस 2s प्लस 10t, ठीक है, माइनस यहाँ पर एक 0 जाएगा तो यहाँ पर आपने इसको माइनस 20, अब ये जो माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड केस सेकंड में क्या करना है, केस सेकंड में हमारे पास कह रहा है कि इफ द ट्रेन
वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर एसटी डिस्टेंस इज इक्वल टू एसटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एसटी, एसटी हो गया, स्लोवर बाय 10, तो स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर निकाल दीजिए, इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर, तो यहां पर टी प्लस 3 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखें पहले यहां पर एस टी है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, एस टी मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पर एस की मल्टीप्लाई आपने किससे करी, टी से, फिर यहां पर हो गया 3s माइनस 10t, और माइनस 10 3 जा 30, ठीक। अब एस टी से क्रॉस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा 3s माइनस 10t माइनस 10t इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा क्योंकि यहां पर जीरो है, तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लस 30, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये 2s है और ये 3s है, यहां पर 10t है और यहां पर 10t, तो इसके कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, दो अपोजिट साइन है तो ऐड करने पर होगा, तो यहां पर लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। तो माइनस टू एस प्लस 10t इज इक्वल टू 20, दिस इज 3s माइनस 10t इज इक्वल टू 30, ऐड कर दीजिए। देखिए यहां पर ये प्लस माइनस का था, तो ये भी ऐसे रहेगा, और ये प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू एस, और यहां पर 30 और 10 कितना, 30 प्लस 20 कितना जाएगा 50, तो जो एस आया, एस स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आपको क्या और ज्ञात करना होगा, टाइम, तो यहां पर आप लिखें ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, सेकेंड में रख दीजिए, कहीं रख लीजिए, यहां पर माइनस 2, एस की वैल्यू कितनी 50 प्लस 10t इज इक्वल टू 20, 52 जा 100 माइनस का हो जाएगा, प्लस 10t इज इक्वल टू 20, दिस इज 10t इज इक्वल टू 20, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया यहां पर 120, ठीक है, और यहां पर कितना हो गया 10t, देन टी इज इक्वल टू 120 अपॉन 10, जीरो से कैंसिल हो गया, और टाइम कितना हो गया यहां पर 12 आवर हो गया, शेड्यूल टाइम कितना हो गया 12 आवर हो गया। अब क्या करना है आपको, उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम एस टी, एस की वैल्यू कितनी आई है, एस की वैल्यू आई है 50 और टी की वैल्यू आई है 12, और ये हो जाएगा किलोमीटर, देन 12 5 जा 60, और ये जीरो आप कर ले, यहां पर 600 किलोमीटर, यहां पर मैंने फिगर बनाया था, उस ए और बी सिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600 किलोमीटर जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहां पर इक्वेशन फॉर्म करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एस, टाइम टेकन टी, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 10 आवर ज्यादा लगा एस प्लस 10, 2 आवर लेस हुआ टी माइनस 2, इक्वेशन बन गई। इसी तरह से एस टी भाई स्लोअर है, स्लोअर में माइनस हो जाएगा और मोर में प्लस हो जाएगा, आपने करके इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, एसटी से कैंसिल हो गया, दो इक्वेशन क्रिएट हो गए। इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपका फाइनल आंसर यही आएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।